राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। होशंगाबाद जिले की सिडनी मालवा तहसील में नाकेबंदी के बाद भी बेरोक टोक आ रहे जा रहे हैं लोग। बैंक मैनेजर के घर भोपाल से आया था युवक, किया क्वारंटाइन। केनरा बैंक मैनेजर भी क्वारंटाइन भोपाल की ट्रेवल हिस्ट्री छिपाई थी। केनरा बैंक की मैनेजर के यहाँ भोपाल से एक व्यक्ति रमाकांत पाटीदार निवासी भोपाल से आकर रुका हुआ था। सूचना नागरिकों ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी। उक्त व्यक्ति को अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्वारंटाइन किया गया, तो वहीं केनरा बैंक की मैनेजर को भी क्वारंटाइन किया। धारा 188 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही केनरा बैंक की मैनेजर की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी ली गई, तो उनका भोपाल जाना और वहां से 4 दिन बाद आना भी पाया गया। विधायक ने भी इस बारे में प्रशासन से सख्ती से कार्रवाई करने को कहा। कल एक बैंक मैनेजर को क्वारंटाइन किया गया है, क्या मामला है और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया है? मुझे कल विशेष सूत्रों से मालूम पड़ा कि जो बैंक मैनेजर है उनके घर में कोई व्यक्ति भोपाल से आए हुए हैं, तो सूचना मिलते ही मेरे द्वारा अपनी टीम भेजकर उनको यहाँ बुला लिया गया था और बुलाने के पश्चात उनको चेकअप करा गया। चेकअप करने के बाद में उनको क्वारंटाइन कर दिया, क्योंकि इस समय भोपाल रेड जोन में चल रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों से आए हुए व्यक्ति को हम क्वारंटाइन कराएं। तो हमने उनको भी क्वारंटाइन करा लिया है और जो मैनेजर थी उनको भी क्वारंटाइन करा लिया है। प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। सिडनी मालवा में ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि भोपाल जैसे रेड जोन से लोग सिडनी मालवा में आ रहे हैं, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के? देखो क्या है, सारे बैरिकेड्स हैं, सारे लोग तैनात हैं, बाकायदा जो आने जाने वाले लोगों की पूछताछ भी की जाती है। कई लोगों को तो इस संबंध में डंडे भी खाने पड़े हैं, वो भी हमारे बात तक आई कि भाई सीधे डंडे मार देते हैं। तो हमने तो लोगों से कहा कि भाई पूछताछ जरूर किया करो, और जहाँ तक है पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई ऐसा मामला जो आपकी नज़र में आ रहा है कि बगैर पूछताछ के कोई आ गया है और चला गया है, तो ऐसे मामले आप बताएं, उसकी भी अपन जांच करा लेंगे। कोई भी ऐसा मामला है, हो सकता है कोई मतलब 2 बजे रात को 3 बजे रात को आ गया हो और किसी की निगाह में नहीं आ पाया हो, या जहां बैरिकेड्स लगे हैं वो बैरिकेड्स के अलावा किसी रास्ते से आ गया हो, तो ऐसा संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब असंभव है, एकदम संभव है। ऐसा कोई मामला आपकी निगाह में हो तो बताएं, वो अपन दिखवाएंगे, जाँच करवाएंगे। और जबकि मैं बता रहा हूँ, अभी क्या है, ये लॉकडाउन की वजह से अभी कोटा से जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो आए हैं, सारे के सारे को कुमारखेड़ा में क्वारंटाइन के लिए रखा। मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, बोले भैया 2-3 बार जांच हो गई, इसके बाद हमको घर क्यों नहीं जाने दे रहे? इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि होशंगाबाद जिला भी अपना संवेदनशील जिला है, यदि मान लो जो बाहर से आ रहा है, कोटा से आ रहा है, उनको यदि ठीक से परीक्षण कर लें, क्वारंटाइन में रखें, इसके बाद घर जाने दें, तो कोई गलत थोड़ी है। लेकिन लोगों को बड़ी जल्दी रहती है अपने अपने घर जाने की। देखिए, बार बार हमें लोगों द्वारा, जागरूक नागरिकों द्वारा सूचना मिलती है कि कई लोग सिवनी मालवा में या देहात क्षेत्र में भी बिना परमिशन के आ जाते हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है, हमारी प्रशासनिक जो हमारी पूरी टीम है, स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासनिक राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य सफाई विभाग हो और पुलिस की टीम, हम सब मिलकर उस पर चेक करते हैं, और अगर उन अगर वो सूचना सही होती है तो उस पर हम जो भी वैधानिक एक्शन होता है वो लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये चीज़ जांच में आती है तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में की जाएगी। सिडनी मालवा से के यदुवंशी की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।